मोदी नगर क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए प्रशासन काफी सख्त हो चला है। आज तहसील क्षेत्र में कई जगह अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण तथा कई जगह पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। जीडीए वीसी राकेश कुमार सिंह, जो वर्तमान में डीएम गाजियाबाद का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, के आदेशों के बाद यह कार्यवाही की गई। आज प्रवर्तन जोन 2 के अंतर्गत मोदी नगर क्षेत्र में खसरा नंबर 411 ग्राम भोजपुर मोदी नगर में विजेंद्र पुनिया द्वारा ग्राम कादराबाद मोदी नगर में अशोक कुमार, जीवन पवार आदि द्वारा खसरा नंबर 437, 438 व 439 ग्राम खंजरपुर तहसील मोदी नगर हापुड़ रोड पर कुलदीप सिंह द्वारा एवं खसरा नंबर 591 राजस्व ग्राम गदाना में सतीश नेहरा व रविंद्र गोयल द्वारा किए जा रहे अवैध प्लाटिंग व विकास कार्य को ध्वस्त किया गया। उपरोक्त अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही 4 अनाधिकृत कॉलोनियों के कुल 57,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध निर्माण तथा अनाधिकृत विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया। इन्हें 58 एसआरएम यूनिवर्सिटी के सामने रविंद्र चौधरी द्वारा किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्रवाई के दौरान द्वारा तथा निर्माताओं द्वारा कॉलोनाइजर व निर्माणकर्ता द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन थाना पुलिस, पीएसी तथा प्राधिकरण के सचल दस्ते की प्रभावी कार्यवाही के द्वारा भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। उपरोक्त अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध सहायक अभियंता अनिल कछड़े के नेतृत्व में अवर अभियंता योगेंद्र कुमार, सुनील कुमार, विजेंद्र पुंडीर, केपी यादव एवं समस्त स्टाफ के साथ थाना भोजपुर पुलिस बल, प्राधिकरण पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण व सीलिंग करने की कार्रवाई की गई।